अब तक आपने देखा गांव वालों की रक्षा हेतु ध्यान मग्न हो अपने पद के भार से खत्री पर्वत का भार बढ़ा देवी के पर्वत को पृथ्वी पर रखने के लिए विवश कर देते हैं कान्हा। तभी भयभीत वृंदावन वासी देवी का भंडारा करने की योजना को स्थगित कर वापस अपने गांव लौटने का निश्चय करते हैं, किंतु कान्हा तथा यशोदा सभी को साहस तथा विश्वास दिलाते हैं एवं कंस खत्री पर्वत का अस्तित्व नष्ट करने हेतु विंध्याचल पर्वत को भड़काते हैं। जो पर्वतों का सम्राट होने योग्य है उस पर तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। अब आगे कंस, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आए हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा अपमान करने नहीं, अपितु तुम्हें तुम्हारा आवश्यक सम्मान दिलवाने आया हूँ विंध्याचल। यदि तुम चाहो तो पर्वतराज बन सकते हो, सभी दुर्लभ वनस्पतियों के अधिपति बन सकते हो, सभी देवी देवताओं के परम धाम बन सकते हो। यदि तुम चाहो तो संसार के सबसे पूजनीय पर्वत बन सकते हो। इसमें तुम्हारा क्या हित है? भगवान कंस कभी अपना हित नहीं देखते, वो तो सदैव दूसरों का कल्याण चाहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यदि तुमने मेरा दिखाया हुआ मार्ग चुना तो तुम्हें पर्वतराज बनने से कोई नहीं रोक सकता विंध्याचल। ना मैं जो देखकर आया हूँ बता नहीं सकता। नंद बाबा आप मेरे साथ बाहर आइए। चल चल चलिए। आइए नंद बाबा, वो देखिए। ये क्या हो रहा है और ये पर्वत इतना विशाल कैसे हो गया? नंद बाबा अवश्य ही कोई बड़ा अनिष्ट घटने वाला है। इस बार अवश्य हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा अचानक सूर्य इतना समीप कैसे आ गया? कान्हा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संकट भी कंस का ही खड़ा किया हुआ है। आओ संकट किसी का भी हो, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना समान सा पर्वत इतना विशाल कैसे हो गया? इसमें इतनी शक्ति आई कहाँ से? नारायण नारायण। प्रभु, जो जिज्ञासा इस समय कान्हा के मन में, वही प्रश्न मेरे भी मन में उठ रहा है। प्रभु, एक साधारण सा पर्वत आकार में इतना विशाल कैसे हो सकता है? प्रभु, देव ऋषि, यही तो विंध्याचल की विशेषता है। यदि वह चाहे तो वह अपना आकार इस ब्रह्मांड जितना विशाल भी कर सकता है और एक कंकड़ के समान सूक्ष्म भी। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? एक पर्वत के लिए ऐसा कर पाना कैसे संभव है? प्रभु, देवी, ये उस समय की बात है जब पर्वत अचल नहीं बल्कि चल हुआ करते थे। वह मनुष्य की भांति चल भी सकते थे और विशाल पक्षियों की तरह आकाश में विचरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में जा भी सकते थे। इन्हीं पर्वतों में विंध्याचल और मैनक जैसे कुछ अत्यंत ही उद्दंड पर्वत भी हुआ करते थे, जो ना केवल मनुष्य अपितु ऋषि मुनियों के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करते थे। चल, तो
मुझे तेरी उतर का तन एक दिन अवश्य मिलेगा। देवी, वह दिन भी शीघ्र ही आ गया जब उद्दंड विंध्याचल पर्व क्रोधी ऋषि दुर्वासा के आश्रम के ऊपर से जा रहा था। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अनर्थ, घोर अनर्थ, हमारे कल्याण यज्ञ को खंडित किया। किसने किया ये महापाप? ये उद्दंडी पर्वत ये सदैव ऐसा ही करते हैं। उद्दंड पर्वतों, तुमने मेरे महायज्ञ को खंडित करने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं दुर्वासा तुम्हें ये श्राप देता हूं। आज के बाद संसार के सभी पर्वत तीन और अचल हो जाएंगे। तुम अपनी संपूर्ण चढ़ाईमान शक्तियों को सदा के लिए खो दोगे और भविष्य में कभी भी अपने स्थान से हिल नहीं पाओगे। देवी, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण संसार के सभी पर्वत उस समय जहां भी थे वह वहीं स्थिर हो गए। किंतु प्रभु, श्राप के पश्चात भी विंध्याचल में इतनी शक्तियां कहां से आई कि वो अपने आकार को इतना विशाल कर सके? देवऋषि, ये श्राप विंध्याचल के लिए असहाय था, इसलिए उसने सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो विंध्याचल। ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र, मैं तुम्हारी कठोर साधना से प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं पहले के समान पुनः आकाश में विचरण करना चाहता हूं। ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुझे मुक्त कर दीजिए ब्रह्मदेव। विंध्याचल, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण अब कोई भी पर्वत अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता। और कोई वर मांगो। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मैं अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपना आकार परिवर्तित कर सकूं। अपनी इच्छानुसार मैं छोटे से छोटा और विशाल से विशाल रूप धारण कर सकूं। तथास्तु। देव ऋषि, यही कारण है कि विंध्याचल ने आज अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसके कारण आधे संसार तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। विंध्याचल की इसी शक्ति और महत्वाकांक्षा का कंस ने लाभ उठाया है। जाएंगे सब सूर्य देव, सब जल जाएंगे। विंध्याचल, ये महत्वाकांक्षा बड़ी विचित्र होती है। इसी के कारण मनुष्य सब कुछ कर पाता है, इसी महत्वाकांक्षा के कारण किसी का भी दास बन जाता है। भगवान कंस की इच्छा ही अब विंध्याचल की महत्वाकांक्षा। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। भले विंध्याचल की महत्वाकांक्षा का आपकी इच्छा से क्या संबंध? ये भगवान कंस की माया है केशनी। सोचो,
जब सूर्य देव का संपूर्ण ताप विंध्याचल की जगह सीधे खत्री पर्वत पर पड़ेगा तो क्या होगा? सोचो सोचो। तो वो खत्री पर्वत तक उठेगा। ये है भगवान कंस की माया। ये अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तब हम सह नहीं पा रहे। ये गर्मी तो असहनीय हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर चलकर हम भस्म हो जाएंगे। दामू काका आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा। आप तब कंदरा के भीतर जाइए। चलो 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 लल्ला तो पीछे चल। विंध्याचल का नव विशाल रूप धारण करना और सूरज का इतना ताप बढ़ाना, यह दोनों बात जुड़ी तो नहीं है? देवी आपका अनुमान सत्य है परम अवतार। अर्थात परम अवतार कंस की बातों में आकर विंध्याचल ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया है कि सूर्य देव का प्रकाश उसके पार नहीं जा पा रहा। सूर्य देव का प्रकाश जो पूरे संसार पर पड़ना चाहिए वो अब विंध्याचल से परिवर्तित होकर केवल खत्री पर्वत पर पड़ रहा है। अर्थात देवी जैसे जैसे सूरज अपना ताप बढ़ाएगा वैसे वैसे इस पर्वत की उष्मा भी बढ़ेगी। केवल इतना ही नहीं, सूर्य के इस असहनीय ताप से ये पूरा पर्वत जलकर भस्म भी हो सकता है। देवी तो इससे रोकने का कोई तो मार्ग होगा? यदि विंध्याचल अपना आकार पूर्ववत करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इतना सरल है? तो मुझे अभी जाकर विंध्याचल से बात करनी चाहिए देवी। परम अवतार विंध्याचल एकदम हटी पर्वत है, वो आपकी बात स्वीकारना तो दूर आपकी बात सुनेगा तक नहीं। देवी मेरी मैया कहती है हमें किसी भी कार्य का अनुमान नहीं लगाना चाहिए अपितु उसे करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिणाम प्रयास से मिलता है अनुमान से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए देवी। माता हमारी रक्षा करो, माता हमें बचाओ, माता माता। विंध्याचल पर्वत प्रकट होइए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। विंध्याचल पर्वत प्रकट होइए। ये विंध्याचल पर्वत तो बहुत ही अच्छी है, इसका अर्थ है कि मुझे इसकी हित की बात करनी होगी, अन्यथा ये प्रकट नहीं होगा। विंध्याचल मैं आपके हित की बात करने आया हूँ। प्रकट हुई विंध्याचल पर्वत प्रकट हुई। बालक कौन है तू और इतना लघु होकर मेरा कौन सा हित कर सकता है? विंध्याचल पर्वत मैं जानता हूँ कि मैं अत्यंत लघु हूँ और आप अत्यंत विशाल, किंतु मैया कहती है जो कार्य सुई से हो सकता है वो तलवार नहीं कर सकती। अर्थात अब देखिए ना, आप इतने विशाल हो गए हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि आपने सूर्य देव का प्रकाश ही रोक लिया है। बालक तू यहाँ मेरे हित की बात करने आया था ना? वही तो मैं कर रहा हूँ। देखिए आपके इतने विशाल रूप के कारण अनेकों लोगों को कष्ट हो रहा है, पूरा खत्री पर्वत ताप से चुलक रहा है। अब यदि आप अपना रूप सामान्य कर लेंगे तो सभी लोग आपको आशीर्वाद देंगे। सोचिए आशीर्वाद पाकर आपका कितना लाभ होगा, है ना विंध्याचल पर्वत? बालक मुझे आशीर्वाद नहीं, पद प्रतिष्ठा और मान चाहिए, और जब तक नारायण स्वयं आकर मुझे इस जगत का सर्वश्रेष्ठ पर्वत की उपाधि नहीं दे देते, जब तक मुझे पर्वत राज नहीं बना देते, मैं इसी विशाल रूप में खड़ा रहूंगा। किंतु विंध्याचल पर्वत पद प्रतिष्ठा और सम्मान तो
अच्छे कर्मों से मिलता है ना। यदि आप सचमुच में ऐसा चाहते हैं ना, तो आप लोगों को कष्ट देने के स्थान पर उनकी सहायता कीजिए, संसार के हित के लिए कार्य कीजिए। बालक, तू यहाँ मेरे हित की बात करने आया है, संसार की? मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मात्र पर्वतराज बनना है। किंतु वो तो आप पहले से ही हैं, कई पर्वतों से श्रेष्ठ, शक्तिशाली और विशाल। यही तो विडंबना है बालक, मेरी श्रेष्ठता के पश्चात लोग अपना शीश खत्री पर्वत के समक्ष झुका दें, उसकी आराधना करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, और मैं यहाँ खड़ा खड़ा सब देखता रहता हूँ। किंतु अब और नहीं, जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक मैं पर्वतराज नहीं बन जाता, मैं अपना स्वरूप कम नहीं करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे सूर्य के ताप से खत्री पर्वत नष्ट ही क्यों ना हो जाए। विंध्याचल पर्वत सुनिए तो सुनिए, यह कैसा स्वर है? हमारी रक्षा कीजिए माता, हमें बचा लीजिए माता। प्रभु, ये योग माया के सम्मुख प्रकट होने वाली बालिकाएं कौन हैं? देवी, ये बालिकाएं नहीं अपितु संसार के दुर्लभ औषधियां। औषधियां? हाँ देवी, ये खत्री पर्वत संसार की समस्त दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियों का निवास स्थल। इस पर्वत पर दूर दूर से वैद्य आते हैं और मनुष्यों की शारीरिक व्याधियों रोगों को दूर करने के लिए आवश्यक औषधियों को एकत्रित करते हैं। नारायण नारायण, इसका अर्थ यह हुआ प्रभु कि इन वनस्पतियों की रक्षा का भार भी देवी योग माया का है, क्योंकि वे ही खत्री पर्वत की अधिष्ठात्री देवी है। आपने सत्य कहा देवऋषि, इसलिए ये औषधियां देवी योग माया के समक्ष उपस्थित हुई हैं। माता, इस भयंकर ताप से हमारी रक्षा कीजिए माता। हाँ माता, अन्यथा आज हम सभी का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा माता। माता, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, हमें बचा लीजिए माता। आप सब शांत हो जाइए, आप सबकी रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, और मेरे रहते आप लोगों का कुछ अहित नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले चलूं। आप भी नहीं समझी? वो देवी योग माया उस खत्री पर्वत की औषधियों की रक्षक है। अपनी औषधियों को जलता देख उन्हें बचाने, उनकी रक्षा करने वो अपने धाम से बाहर अवश्य आएगी, और जब वो बाहर आएगी मुझे उस आकाशवाणी और उस बालक जो विष्णु का पूर्ण अवतार है उसके बारे में अवश्य बताएगी। इस ताल को हम और अधिक नहीं सह सकते, हम लोगों की मृत्यु निश्चित है। मैंने तो पहले ही कहा था हम सब यही जलकर भस्म हो जाएंगे। शांत हो जाइए, आप सभी लोग भी शांत हो जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। काना आता ही होगा इस संकट का हल ढूंढ के। वल्लभ,
काका, मैं अभी आपके लिए चलने कर आता हूँ। काका, ये लीजिए जल। हमारी मां कर रहे हैं, मम्मी, नन्हा, मां चल रहे हैं, नन्हा। इसी प्रकार ताप बढ़ता गया तो इस संपूर्ण पर्वत को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। मुझे किसी भी प्रकार सूर्यदेव के ताप को रोकना ही होगा। कैसे रोकूं मैं सूर्यदेव के ताप को?